पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरियाणा में ट्रैक्टर रैली रोके जाने पर आज विवादित बयान दिया है। जाखड़ ने कहा, जिस तरह हमें हरियाणा में रोका गया तो हम पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर खोल देंगे। दरअसल पंजाब कांग्रेस ने सोमवार को राज्य में 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि इन विधेयकों से किसान समुदाय तबाह हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी विधेयकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार के पुतले जलाए। वही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फतेहगढ़ साहब के बस्सी पठाना के में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और एनडीए सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा, इन विधेयकों से किसान तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जाखड़ ने वादा किया कि उनकी पार्टी किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। जाखड़ ने पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों में प्रस्तावित विधेयकों को खिलाफ गुस्सा देखते हुए पार्टी ने यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा, इससे पहले इन विधेयकों को हित में बताकर किसानों को शिरोमणि अकाली दल गुमराह कर रहे थे। जाखड़ ने आगे कहा कि वो खुश हैं कि सभी किसान संगठन इन विधेयकों का विरोध करने के लिए साथ आए हैं। किसान संगठन ने इन विधेयकों के खिलाफ 25 सितंबर को अब बंद का आह्वान किया है। होशियारपुर में राज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को राजनीतिक पैंतरेबाजी करार देते हुए सवाल किया कि उन्होंने तब क्यों नहीं पद छोड़ा जब वो मोदी सरकार से अध्यादेश लेके आई थी। कहा, हम सब किसानों के साथ हैं। मतलब है कि विपक्ष ने रविवार को राज्यसभा में हुए हमले के चलते सोमवार को 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। इस कदम के विरोध में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। निलंबित किए गए 8 सांसदों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य शामिल हैं। उच्च सदन में कृषि संबंधी विधेयक को पारित किए जाने के दौरान अमर्यादित व्यवहार के कारण इन सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया है।